सो दोस्तों आज की ये वीडियो होने वाली है यहाँ पर 10,000 रुपए के अंदर पांच ऐसे तगड़े स्मार्टफोन्स के बारे में, जहाँ पर दोस्तों आपको डिस्प्ले भी अच्छी मिलने वाली है, कैमरास भी अच्छे हैं, साथ ही आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी। और जहाँ तक बात है गेमिंग परफॉर्मेंस की गाइस, तो गेमिंग में भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत देखने को नहीं मिलने वाली। वैसे दोस्तों आपको यहाँ पर काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स देखने को मिलते हैं, लेकिन गाइस हमने यहाँ पर सिर्फ पाँच ऐसे स्मार्टफोन्स को सिलेक्ट किया है जहाँ पर आपको भर भर के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं और साथ ही आपको यहाँ पर अच्छी खासी रैम स्टोरेज भी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो एक बार इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। इसके साथ में फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आने पे लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि फ्रेंड्स जैसे हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशंस आपके डिवाइस पर टाइम टाइम मिलते रहें। सो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज़ हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन की। तो दोस्तों नॉन चाइनीज के मामले में सैमसंग पे ज़्यादातर यूजर्स यहाँ पर ट्रस्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं यहाँ पर सैमसंग की तरफ से आने वाला सैमसंग गैलेक्सी M12 या फिर दोस्तों आप इसे सैमसंग गैलेक्सी F12 भी कह सकते हैं। ये दोनों स्मार्टफोन आपको यहाँ पर बिल्कुल सेम स्पेसिफिकेशन के साथ में देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलता। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर इन स्मार्टफोन्स के कैमरा से दोस्तों। तो यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको यहाँ पर 48 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, जहाँ पर मेन कैमरा देखने को मिल जाएगा 48 मेगापिक्सल का, साथ ही 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर सेल्फी कैमरा दिया गया है। तो यहाँ पर आपको कैमरा मॉड्यूल काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है और साथ ही आपको यहाँ पर कैमरा आउटपुट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। जहाँ तक बात है वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो आप यहाँ पर दोनों ही कैमरा से फुल एचडी की रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर, तो यहाँ पर भी आपको कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। इसके साथ में बात करें यहाँ पर स्मार्टफोन के प्रोसेसर की, तो इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर एक्सिनोस का 850 वाला चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि आपको यहाँ पर 8nm की फैब्रिकेशन पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको हीटिंग बहुत कम देखने को मिलने वाली है, साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको पावर एफिशिएंसी यानी दोस्तों बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। जहाँ तक बात है परफॉर्मेंस की, तो आपको यहाँ पर डिसेंट लेवल की परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। इसके साथ में सो गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर आम वाली G52 का GPU देखने को मिल जाता है, जो कि एक ड्यूल कोर का GPU है। यहाँ पर आपको डिसेंट लेवल की गेमिंग परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ पर भी आपको कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आप यहाँ पर स्मार्टफोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 6.5 इंच की HD+ की डिस्प्ले देखने को मिलती है, साथ ही आपको यहाँ पर IPS पैनल देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर 90Hz की रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है, तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। तो ओवरऑल देखेंगे तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले काफ़ी अच्छी देखने को मिलने वाली है, तो डिस्प्ले से भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। और जहाँ तक बात है बैटरी बैकअप की, तो इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 6000mAh का बैटरा देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको 15W की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। साथ ही उसको चार्जिंग के लिए टाइप सी की पोर्ट देखने को मिलेगी और इसके अलावा यहाँ पर आपको 3.5mm हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों देखा जाए तो आपको यहाँ पर भी कोई कमी देखने को नहीं मिलने वाली है। इसके साथ में ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर ट्रिपल कार्ड स्लॉट के साथ में देखने को मिलता है, यानी गाइस आप यहाँ पर एक साथ में 2 SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। इसके साथ में इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 11 OS 1 UI 3.1 देखने को मिलेगा, तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा देखने को मिलने वाला है, तो सॉफ्टवेयर से भी आपको यहाँ पर कोई इशू नहीं होंगे। तो सबके पास देखेंगे दोस्तों तो काफ़ी बढ़िया फोन है। अगर आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नॉन चाइनीज स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं और वो भी दोस्तों सैमसंग की तरफ से, तो आप इस फोन को जरूर से देख सकते हैं। ये स्मार्टफोन आपको मिलेगा यहाँ पर 4GB RAM 64GB in-built memory के साथ में 10,299 रुपये की प्राइस पर। और हाँ, अगर आप चाहें तो इस स्मार्टफोन को यहाँ पर एक्सपांड भी कर सकते हैं मेमोरी कार्ड लगा के 1TB तक, यानी दोस्तों अगर आप चाहें तो अपने स्मार्टफोन को हार्ड डिस्क भी बना सकते हैं। साथ ही फ्रेंड, जितने भी स्मार्टफोन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं उन सभी के बेस्ट बाय लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें जाकर के जरूर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पर तगड़ी गेमिंग करनी है और आपको यहाँ पर एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन परचेस करना है, तो आप यहाँ पर माइक्रोमैक्स की तरफ से आने वाला माइक्रोमैक्स In-1 देख सकते हैं। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको यहाँ पर क्लियर स्टॉक एंड्रॉइड भी देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको कोई भी ब्रॉडवेयर ऐप और एड्स देखने को नहीं मिलेंगे, तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। इसके साथ में इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 6.67 इंच की फुल HD+ वाली डिस्प्ले भी देखने को मिलेगी, जहाँ पर आपको नॉर्मल 60Hz की रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगी। देखा जाए तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले काफ़ी अच्छी देखने को मिलने वाली है, तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले से कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल के ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको 2 मेगापिक्सल के 2 और छोटू सेंसर देखने को मिलेंगे। और जहाँ तक बात है सेल्फी की, तो आपको यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा पंच होल कटआउट के साथ में।
और इसके साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको कैमरा परफॉर्मेंस भी अच्छी देखने को मिलेगी, तो कैमरा से भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होगी। और जहाँ तक बात है बैटरी बैकअप की, तो इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 5000 mAh की डिसेंट बैटरी देखने को मिलती है, जहाँ पर को 18 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है और चार्जर बॉक्स के अंदर आपको मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। और इसके साथ में दोस्तों आपको यहाँ पर चार्जिंग के लिए टाइप सी की पोर्ट देखने को मिलेगी और हम सभी का दुलारा 3.5 mm हेडफोन जैक भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जहां तक बात है परफॉर्मेंस की दोस्तों, तो इस फोन के अंदर आपको यहां पर मीडियाटेक हीलो G80 का एक डीसेंट प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि आपको यहां पर 12 nm की फैब्रिकेशन पर देखने को मिलता है, तो आपको यहां पर थोड़ी सी हीटिंग तो देखने को मिलेगी, लेकिन ओवरऑल आपको यहां पर परफॉर्मेंस और गेमिंग में कोई शिकायत देखने को नहीं मिलने वाली। साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको यहाँ पर रियर माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, जबकि दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी F12 के अंदर आपको यहाँ पर साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। इसके अलावा इस फोन के अंदर भी आपको यहाँ पर ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाएंगे और साथ ही दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 11 बेस्ट क्लियर स्टॉक एंड्रॉइड के साथ में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको कोई भी ब्लॉटवेयर ऐप का पंगा देखने को नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पर नीट एंड क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए, अच्छी गेमिंग करनी है, अच्छी डिस्प्ले चाहिए और आपको यहाँ पर एक इंडियन ब्रांड की तरफ से स्मार्टफोन लेना है, तो आप इस फोन को जरूर से देख सकते हैं। ये स्मार्टफोन वैसे तो आपको मिलेगा 4GB रैम 64GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ में 10,499 रुपये की प्राइस पर। जी हाँ दोस्तों, स्मार्टफोन की प्राइसिंग थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, लेकिन दोस्तों ओवरऑल अगर आप यहाँ पर बैंक ऑफर सप्लाई कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर 500 रुपये तक का डिस्काउंट देखने को मिलेगा, उसके बाद आप स्मार्टफोन को 10,000 रुपये की प्राइस पर परचेस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जिन्हें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रैम वाला स्मार्टफोन परचेस करना है, वो यहाँ पर माइक्रोमैक्स का ही IN2B स्मार्टफोन देख सकते हैं। ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर 6GB की रैम के साथ में देखने को मिलेगा, साथ ही 64GB की इनबिल्ट स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। इसके साथ में आपको यहाँ पर 6.5 इंच की HD+ वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जहाँ पर आपको डिस्प्ले से भी कोई शिकायत देखने को नहीं मिलने वाली। बात करें कैमरा की, तो आपको यहाँ पर 13+2 MP के डबल रियर कैमरा सेंसर, 5 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, साथ ही आपको यहाँ पर 5 mAh की डिसेंट बैटरी देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर आपको 10 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और जहाँ तक बात है यहाँ पर परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर आपको यूनिसॉक की तरफ से आने वाला यूनिसॉक T610 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि आपको यहाँ पर डिसेंट लेवल की परफॉर्मेंस दे देगा, तो आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस और गेमिंग में भी कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। सो दोस्तों अगर आपको यहाँ पर ज्यादा रैम वाला स्मार्टफोन परचेस करना है, तो आप इस फोन को डेफिनेटली देख सकते हैं। ये स्मार्टफोन आपको मिलेगा यहाँ पर 6GB रैम 64GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ में 9,499 रुपये की प्राइस पर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर कुछ तगड़े गेमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में। और दोस्तों गेमिंग स्मार्टफोन्स की बात करें, तो पोको M2 रीलोडेड ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, जहाँ पर इसे काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया गया है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर आपको मीडियाटेक हीलो G80 का ही प्रोसेसर देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस और गेमिंग में कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 6.5 इंच की Full HD+ वाली डिस्प्ले भी देखने को मिलती है, जहाँ पर आपको IPS पैनल का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसके साथ में इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्ट, साथ ही नॉर्मल 60Hz की रिफ्रेश रेट और 120Hz तक की टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाती है। तो देखा जाए तो गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। साथ ही दोस्तों इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 13 MP के क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको 13 MP का मेन कैमरा, 8 MP का अल्ट्रावाइड, 5 का मैक्रो और 2 MP का आपको यहाँ पर डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। जहाँ तक बात है सेल्फी कैमरा की, तो आपको यहाँ पर 8 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको कैमरा आउटपुट भी डिसेंट देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर आप फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से Full HD की रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर, तो यहाँ पर भी आपको कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। इसके साथ में दोस्तों इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 5000 mAh की डिसेंट बैटरी भी देखने को मिलती है, जहाँ पर आपको 18 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, लेकिन दोस्तों बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पर 10 वॉट का चार्जर देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर स्मार्टफोन को और भी तेजी से चार्ज करना है, तो आपको यहाँ पर चार्जर को अलग से परचेस करना होगा, साथ ही इसमें चार्जिंग के लिए टाइप सी की पोर्ट देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ पर आपको बैटरी मॉड्यूल काफी अच्छा देखने को मिलता है। इसके साथ में आपको यहाँ पर 3.5 mm हेडफोन जैक देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें यहाँ पर स्मार्टफोन के एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में, तो इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर रियर माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, साथ ही ट्रिपल कार्ड के स्लॉट दिए गए हैं। इसके अलावा ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 10 बेस्ड MIUI 12 पर देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको थोड़े मोटे बग्स और ब्लॉटवेयर एप्स देखने को मिलेंगे, तो ओवरऑल आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो इस फोन को भी जरूर से यहाँ पर देख सकते हैं। ये स्मार्टफोन अभी आपको मिल रहा है यहाँ पर 4GB रैम 64GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ में 8,999 रुपये की प्राइस पर। तो यार काफी अच्छी प्राइस पर ये स्मार्टफोन आपको मिल रहा है, तो अगर आप चाहें तो इस डील को जरूर से यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं यहाँ पर अगले तगड़े गेमिंग स्मार्टफोन की गाइज। और ये स्मार्टफोन है यहाँ पर इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाला इन्फिनिक्स हॉट 10S। जी हाँ दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको मीडियाटेक हीलो G85 का एक तगड़ा प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको 12 nm की फैब्रिकेशन पर ही देखने को मिलेगा, जहां पर आपको हीटिंग वगैरह थोड़ी मोड़ी देखने को मिलेगी, लेकिन दोस्तों ओवरऑल आपको यहां पर परफॉर्मेंस और गेमिंग में कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी।
इसके साथ में इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 6.8 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, तो ये काफी अच्छी बात हो जाती है। हालांकि आपको यहाँ पर नॉर्मल HD प्लस की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, लेकिन आपको यहाँ पर 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और साथ ही 180 हर्ट्ज तक की डस्ट सैंपलिंग रेट देखने को मिल जाएगी। तो देखा जाए तो आपको यहाँ पर कॉन्टेंट वगैरह वॉच करने के साथ साथ आपको यहाँ पर गेमिंग के लिए काफी अच्छी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, तो डिस्प्ले से आपको यहाँ पर कोई शिकायत देखने को नहीं मिलने वाली। कैमरा की बात करें तो आपको यहाँ पर 48 मेगापिक्सल्स के ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल्स का देखने को मिलेगा, साथ ही 2 मेगापिक्सल्स का आपको यहाँ पर डेप्थ सेंसर दिया गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक AI लेंस देखने को मिल जाएगा। सेल्फी के लिए आपको यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको डिसेंट क्वालिटी की कैमरा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर फ्रंट और बैक कैमरा से Full HD की रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर, तो यहाँ पर भी आपको कोई शिकायत देखने को नहीं मिलने वाली है। और इस फोन के अंदर दोस्तों आपको यहाँ पर 6000mAh का बैटरी देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको 18W की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया, लेकिन दोस्तों बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10W का ही चार्जर देखने को। और इसके साथ में आपको यहाँ पर चार्जिंग के लिए microUSB की पोर्ट देखने को मिल जाएगी। बैटरी मॉड्यूल आपको यहाँ पर काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा, साथ ही आपको यहाँ पर 3.5mm हेडफोन जैक देखने को मिल जाएगा। और जहाँ तक बात है स्मार्टफोन के एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर रियर माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, साथ ही आपको यहाँ पर ट्रिपल कार्ड के स्लॉट देखने को मिल जाएंगे। लेकिन गाइस ये जो स्मार्टफोन है ये आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 11X 7.6 पर देखने को मिलेगा, पर आपको काफी सारे ब्लॉटवेयर ऐप और एड्स देखने को मिलेंगे, तो ओवरऑल आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ठीक ठाक देखने को मिलेगा। तो गाइस अगर आपको यहाँ पर एक बड़ी डिस्प्ले, बड़ी बैटरी या फिर दोस्तों यूं कहें कि गेमिंग स्मार्टफोन परचेस करना है, तो आप इस फोन को जरूर से देख सकते हैं। ये स्मार्टफोन आपको मिलेगा यहाँ पर 4GB रैम 64GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ में 9500 रुपए की प्राइस, साथ ही स्मार्टफोन का 6 और 64 वाला वेरियंट आपको मिल जाएगा 10499 रुपए की प्राइस पर। लेकिन दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बोनस और काफी तगड़ा स्मार्टफोन है, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा इन्फिनिक्स की तरफ से ही, इन्फिनिक्स हॉट 11S। इस स्मार्टफोन के फीचर्स आपको यहाँ पर काफी अच्छे देखने को मिलते हैं, जैसे कि दोस्तों इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 6.8 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर आपको फुल HD प्लस का रिजोल्यूशन, डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करने के लिए NEG का प्रोटेक्शन, और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज तक की डस्ट सैंपलिंग रेट देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर आपको डिस्प्ले में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलने वाली, डिस्प्ले आपको यहाँ पर काफी अच्छी और तगड़ी देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल के ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर और एक AI लेंस देखने को मिलता है, साथ ही आपको यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। कैमरा से भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होने वाली, साथ ही आप यहाँ पर फ्रंट और बैक कैमरा से फुल HD की रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर, तो यहाँ पर भी आपको कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 5000mAh की डिसेंट बैटरी देखने को मिलेगी, जहाँ पर आपको 18W की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया, साथ ही इसको चार्जर बॉक्स के अंदर मिलेगा, और चार्जिंग के लिए आपको यहाँ पर Type-C की पोर्ट देखने को मिलती है, तो ये काफी अच्छी बात हो जाती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर 3.5mm हेडफोन जैक भी देखने को मिल जाता है। जहां तक बात है परफॉर्मेंस की दोस्तों, इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर एक लेटेस्ट चिपसेट देखने को मिल जाएगा MediaTek Helio G88 का, जो कि आपको यहाँ पर 12nm की फैब्रिकेशन पर ही देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये काफी स्टेबल प्रोसेसर है, तो आपको यहाँ पर हीटिंग बहुत ही कम देखने को मिलती है, और साथ ही दोस्तों परफॉर्मेंस और गेमिंग में आपको यहाँ पर कोई इशू देखने को नहीं मिलते। साथ ही दोस्तों बात करें यहाँ पर स्मार्टफोन के एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो इस फोन के अंदर भी आपको यहाँ पर रियर माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, साथ ही ट्रिपल कार्ड के स्लॉट देखने को मिल जाएंगे, और इसके अलावा ये स्मार्टफोन भी आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 11X 7.6 पर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर भी आपको थोड़े मोड़े ब्लड पर ऐप और एड देखने को मिल जाएंगे, तो ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर 11000 रुपये तक लगा सकते हैं या फिर इसको बैंक ऑफर्स अप्लाई कर सकते हैं, तो ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर 10000 रुपये की प्राइस पर मिल जाएगा, जहाँ पर आपको 4GB की रैम 64GB की इनबिल्ट स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल सो काफ़ी तगड़ा फोन है, तो अगर आप चाहें तो इस फोन को भी जरूर से देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये तो वो कुछ स्मार्टफोन जो कि आपको इस प्राइस पर काफ़ी अच्छे और धमाकेदार देखने को मिलते हैं, तो इनको यहाँ पर बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इन सभी के बेस्ट पाई लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाकर के जरूर से देख सकते हैं। इसके साथ में दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, हम वहाँ पर आपकी क्वेरीज को रिप्लाई जरूर करेंगे। और हाँ दोस्तों चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि फ्रेंड्स आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपके डिवाइस पर टाइम टाइम मिलती रहे। सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।